हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडिंग मैथ्स ऑफ स्टैंडर्ड 8, चैप्टर नंबर 5, डेटा हैंडलिंग। ओके, अब यहाँ पर आपको बार ग्राफ, टैली मार्क्स, हिस्टोग्राम एक्सेट्रा स्टडी करना है। बार ग्राफ आप लोगों ने लास्ट क्लासेस में स्टडी किया है, आपके लिए नया है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम ये आपको फिगर दिखाई दे रहा है यहाँ पर। हिस्टोग्राम में, बार ग्राफ में आप क्या करते हैं, एक बॉक्स, वन बॉक्स छोड़कर आप बार ड्रॉ करते हैं, लेकिन हिस्टोग्राम में वन बॉक्स छोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर डायरेक्टली वन बाय वन बार ड्रॉ किए जाते हैं। अब यहाँ पर ये वाला साइन आपके लिए न्यू है। इस साइन का मीनिंग होता है कि यहाँ पर हमने ज़ीरो के बाद यहाँ पर वन है, लेकिन यहाँ ज़ीरो के बाद डायरेक्ट हमने 125 लिखा है। 125 इट मीन्स ज़ीरो के बाद जब डायरेक्ट हम दूसरे नंबर लेते हैं, उसके बीच वाले नंबर नहीं है, तो ये वाला साइन हम करते हैं यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पे हिस्टोग्राम को देखकर हमको क्वेश्चंस के आंसर देना है। व्हाट इन्फॉर्मेशन इज बीइंग गिवन बाय द हिस्टोग्राम, क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है यहाँ पर। यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स ऑफ क्लास 8, हाइट ऑफ Height of girls of class 7th. Okay, ये information यहाँ पर दी हुई है। Which group contains the maximum number of girls? Which group contain maximum number of? तो यहाँ पर 7. Standard 7 की जो है girls, ये 145 जो का जो ग्रुप है, 140 to 145 सेंटीमीटर ग्रुप है, वहाँ पर मैक्सिमम गर्ल्स हैं। देन हाउ मेनी गर्ल्स हैव अ हाइट ऑफ 145 सेंटीमीटर एंड मोर, 145 सेंटीमीटर एंड मोर। सो यहाँ पर ये हम प्लस कर देंगे, 4 + 2 + 1, सो इट इज 7 गर्ल्स। ओके, इफ़ वी डिवाइड द गर्ल्स इन टू द फॉलोइंग 3 कैटेगरीज, हाउ मैनी वुड देयर बी इन ईच, 150 सेंटीमीटर एंड मोर, ग्रुप ए 150 सेंटीमीटर एंड मोर। ओके, तो ये 2 + 1, तो यहाँ पे 3 होगा ग्रुप ए, देन 140 सेंटीमीटर टू लेस देन 150 सेंटीमीटर ग्रुप बी, 140 सेंटीमीटर टू 150 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पर होगा 7 + 4, 11, लेस देन 140 सेंटीमीटर, लेस देन 140 सेंटीमीटर इट मीन्स 125 से 140 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं, 3 + 2 + 1, तो ये हुआ 6। ओके, इस टाइप से हमको ये सॉल्यूशन करना है। देन क्वेश्चन नंबर 2 इज द शॉपकीपर हु कैन कम टू अ डिपार्टमेंटल स्टोर आर मार्क्ड एज मैन एम, वुमेन्स डब्ल्यू, बॉय बी और गर्ल जी। द फॉलोइंग लिस्ट गिवन द शॉपकीपर हु केम ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर इन द मॉर्निंग। ओके, अब यहाँ पर W से मीनिंग है वुमेन्स एंड M से मीनिंग है मैन। तो हम फर्स्ट तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी काउंट कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ओके, ये है 15, तो इसका टैली मार्क 5, 5 and 5, 15 हुआ। देन W, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, and 28. 28, 5, 10, 15, 20,
25 एंड 28, ओके इस टाइप से टेली मार्क हमको मार्क करना है. देन बी, बी इज बॉय 1, 2, 3, 4, 5 देन जी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 and 10 and 2, 12 ओके अब यहाँ पे टोटल कर देना है 15 + 5 = 20, 20 + 20 = 40, 40 + 20 = 60 ओके यहाँ पर टोटल है 60. अब इसी हिसाब से हमको यहाँ पर बार ग्राफ ड्रॉ करना है. मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टेली मार्क, ड्रॉ अ बार ग्राफ टू इलस्ट्रेट इट. ओके अब बार ग्राफ में हमने यहाँ टेली मार्क्स देखे हैं, आप लोगों ने टेली मार्क्स हैं, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को देखकर हमको बार ग्राफ ड्रॉ करना है. तो यहाँ पर हो जाएगा M, देन W, B एंड G और यहाँ पर मिनिमम नंबर्स हैं हमारे 5 and 28. सो यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं 5, 10, 15, 20, 25 and 30. ओके इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं आप, पर इतना करेंगे तो भी चलेगा. अब यहाँ पे फर्स्ट मैन कितने हैं, मैन की फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 15. सो 15 पर हमको बार ग्राफ ड्रॉ करना है. ओके देन W मीन्स वुमेन्स, वुमेन्स है हमारे पास 28. ओके 28 है, सो 28 नंबर, ये 25 हुआ, 26, 27 एंड 28. This is 28. Then boys, boy की frequency हमारे पास है 5. Bar graph आप लोगों ने previous classes में study की कर चुके हैं, इसके लिए ये आपके लिए बहुत easy है. 12 गर्ल है 12, देन 10, 11 एंड 12. यहाँ पर आपको स्केल लिख लेनी है, स्केल में आपने 1 बॉक्स इज इक्वल टू 5. ओके ये यहाँ पर आपका सेकंड क्वेश्चन फिनिश होता है. देन क्वेश्चन नंबर 3 इज अब यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी देखकर आपको टेली मार्क और ये करना है. तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, तो 800 to 810. ओके 800 to 810 के बीच में जितना भी फ्रीक्वेंसी है वो हमको काउंट कर लेना है. यहाँ पर 1, 2, 3, 4 टेली मार्क 4. ओके देन 8, 10 टू
8, 20। लिसन, अब यहाँ पर हमने 8, 10 काउंट किया, यहाँ पर हमको 8, 10 काउंट नहीं करना है, 8, 9 तक काउंट करना है। 8, 10 हमारा इसके साथ आएगा, ओके। तो यहाँ पर हमारी एक फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी। ये 3 हो जाएगा, ओके। देन 810 से स्टार्ट करेंगे हम, 1, 2, ओनली 2 नंबर्स हैं यहाँ पर। देन 820 to 830, ओनली 1 है यहाँ पर। देन 830 to 840, 830 और 40 भी लेना है हमको बीच में, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 है इसकी फ्रिक्वेंसी, 1, 2, 3, 4 and 1, 2, 3, 4, ओके। देन 840 to 850, 840 to 850 कितना है हमारे पास, 1, 2, 3, 4 and 5, 1, 2, 3, 4 and 5, then 850 to 860, 850 1, only 1 है, then 860 to 870, 1, 2, 3, then 870 to 880, 870, 1, only 1 है, then 880 to 890, then 890 to 900, ओके। तो 880 के बाद कितने नंबर्स हैं हमारे पास वो देख लेते हैं हम, 1, ये इसमें नहीं आएगा, 1, only 1 है ये भी, देन 880 1, 2, 3, 4, ओके। अब यहाँ पे इनको हम प्लस कर लेंगे, कितनी कितने टोटल नंबर, 30 वर्कर्स हैं, तो 30 आता है हमारा टोटल, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 15, 25, 25 और 5, 30, ओके। 30 वर्कर्स थे हमारे पास, तो ये हमारा टोटल 30 हुआ। देन हमको यहाँ पर अब ड्रॉ करना है क्वेश्चन नंबर
फोर के लिए हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है हमको। ओके, तो फर्स्ट हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे। जैसी फ्रीक्वेंसी हमारे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी होगी और यहाँ पर ये नंबर्स होंगे वीकली वेजेस के। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे नंबर डाल लेंगे हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। ओके, देन यहाँ पर ये यह हमारे यहाँ से 800 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ हम लिखेंगे 800 to 810, देन 810, 820, 820 to 840, 840 to 850, 850 to 860, 860 to 870, 870 to 880 and 880 to 890 and 890 to 900। अब जैसा यहाँ पर हमने देखा, इसमें हमको एक भी बॉक्स छोड़ना नहीं है, ये हिस्टोग्राम कर रहे हैं हम इसके लिए, है ना। तो 800 टू 810 कितना फ्रीक्वेंसी हमारे पास, 3। सो 3 पर जाएंगे हम, ओके, देन 810 to 820, टू, तो यहीं पर हमको 2 के साथ इसको जॉइंट कर देना है, देन 820 to 830, 1, 830 to 40, 9, यहाँ पर ये 9 हुआ, देन 840 to 850, 5, देन 840 to 850, 5, 850 to 860, 1, then 860 to 870, 3, okay, 870 to 880, 1, then again 1, दोनों का साथ में कर लिया हमने क्योंकि दोनों की सेम फ्रीक्वेंसी है, देन 892 904, ओके, ये हमारा यहाँ पर हिस्टोग्राम हुआ। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी 3, 2, 1, 9, 5, 1, 3, 1, 1 and 4, ओके, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। इस टाइप से हमारा एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3rd and 4th फिनिश होता है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 5 में आपको सेम इसी को हिस्टोग्राम को देखकर आपको आंसर्स देने, क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं जो इजीली आप दे दोगे। इसके बाद है पाईग्राफ। पाईग्राफ हम लास्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे और इसके पहले जो भी एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स आपकी बुक में एग्जांपल्स सॉल्व किए हुए हैं, तो ये एग्जांपल्स आपको इस ग्राफ बुक में, स्कूल से आपको ये ग्राफ बुक मिली हुई है, इसमें आपको सॉल्व कर लेना है। ओके, थैंक यू।